सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक फ्रेश न्यू व्लॉग में। तो आज हम जाने वाले हैं खान सर का लाइब्रेरी। तो फिलहाल अभी मेरे साथ है संजीव और एक उधर वो मजनू बात कर रहा है अपने माल। ये फर्स्ट टाइम जब मैं अपने मोहल्ले में व्लॉगिंग कर रहा हूँ। बहुत लोग तो है नहीं, कुछ ही लोग है जो देख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक व्लॉग डालूं, तो आज एक टॉपिक मिल गया है खान सर का लाइब्रेरी, जो कि मेरे घर से बहुत ही नज़दीक है। जाता हूँ वहाँ पे स्टडी करने के लिए। तो नया नया लाइब्रेरी खुला है खान सर का, जो कि एक महीने से मैं जा रहा हूँ वहाँ पे पढ़ने के लिए। तो फिलहाल अभी दिखाऊंगा, कुछ लड़कियाँ भी पढ़ती है। रहा नहीं जाता। तो फिलहाल फॉर द फर्स्ट टाइम रास्ते पे व्लॉगिंग कर रहे हैं। एंड अभी इन लोगों को खराब लग रहा है मेरे साथ चलते हुए, क्योंकि थोड़ा सा खराब लग रहा है। नहीं, लोग देख रहे हैं। ये भाई साहब भी व्लॉगिंग चैनल खोलना चाहते हैं, लेकिन व्लॉगिंग चैनल का नाम क्या रहेगा ये इनसे जानते हैं। क्या रहेगा व्लॉगिंग चैनल का? व्लॉगिंग का नाम घपा का ब्लॉगिंग रहेगा। क्या बोला तूने? घपा का ब्लॉगिंग रहेगा। स्लीट है ये लोंडा। पट्टी मतलब लगातार वीडियो उसमें डालना है। अच्छा, डेली वीडियो आएगा, इसलिए उस चैनल का नाम क्या रहेगा? घपा का ब्लॉगिंग। तो गाइस, जब बनेगा चैनल तो लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर के सब्सक्राइब करना। पीयूष जोशी का रिकॉर्ड तोड़ देना, 1 मिलियन से ज्यादा एक दिन में कर देना सब्सक्राइब। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो अभी फिलहाल खान सर का लाइब्रेरी पहुंच गया। ये देखो खान सर का यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ, 20 अक्टूबर को ओपनिंग हुआ था। ये दूसरी मंजिला पे है। 5 घंटा का यहाँ शिफ्ट है, 4 बजे निकलेंगे, 11 बजे है। ₹200 दे और ₹50 कट ओवर एक्टिंग के वजह। इधर आए हैं और इधर अभी नया लाइब्रेरी बन रहा है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीट फुल हो गया था। एंड लड़कों और लड़कियों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी बैठने में, तो एक बगल में ही नया लाइब्रेरी बना है। ये भी चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है। दिन और लगेगा इसको रेडी होने में। और क्या क्या फैसिलिटी में मिलता है लाइब्रेरी में आपको बता देता हूँ। एक तो आपको सबसे पहले ये लॉकर मिलेगा, जिसमें आप अपने बुक्स वगैरह रख सकते हो। फिर उसके बाद हर जो सीट होता है ना, उसमें आपको चार्जिंग के लिए प्लग मिलते हैं। ड्यूरिंग अगर आप स्टडी कर रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, तो बैटरी वगैरह डाउन हो जाता है, तो आप डायरेक्ट चार्ज कर सकते हो। तो और सबसे बड़ा बात, RO वाटर भी मिलता है, फ्रेश वाटर मिलता है। जिन लोगों को घर में पढ़ने में दिक्कतें होती है, उनके लिए लाइब्रेरी बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप शांति से पढ़ सकते हो। 5-5 घंटा का शिफ्ट होता है, शांति से पढ़ो, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, एकदम शोर भी नहीं होता है। देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है, ये इतना जगह मिलता है एक स्टूडेंट्स को बुक्स रखने के लिए, और इतना मिलता है जगह बैठने के लिए। ये यहाँ पे चार्जिंग की सुविधा भी दिया हुआ है, चार्ज कर सकते हो आराम से, इजिली। बाकी ओवरऑल वहाँ पे बुक्स रखने का लॉकर दिया हुआ है। सो फिलहाल लाइब्रेरी ख़त्म और अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो हे गाइस, अभी मैं फिलहाल घर पहुँच गया हूँ, और जैसे कि देखा आप लोगों ने कि कैसे मेरा आधा दिन पूरा है वो जो लाइब्रेरी में गुजरता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं खान सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर होता है ना, जब मैं घर में बैठ के पढ़ता हूँ तो डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे होते हैं। जैसे कि कभी कुछ वीडियो देखने लग जाता हूँ, कभी वीडियो एडिट करने लग जाता हूँ, वीडियो बनाने लग जाता हूँ, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है। लेकिन लाइब्रेरी में क्या, वो फोकस बना रहता है
ना इधर ना उधर, डायरेक्ट स्टडी पे, तो अच्छा लगता है। 5 घंटा का जो समय है स्टडी पे फोकस करता हूँ, और बहुत जरूरी भी है क्योंकि आप यूट्यूब पे, सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंड नहीं रह सकते हो, जैसा कि आप सबको भी पता है। तो बस यही है। तो फिलहाल वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, एंड आपके उधर भी खान सर का लाइब्रेरी खुला है कि नहीं खुला है ये भी जरूर बता देना। तो फिर चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक ले स्टे होम स्टे हेल्दी।